सभी भक्त जनों को सब प्रेम नमन। आज मैं आपके समक्ष आंखों के उपचार के लिए योग बताने जा रहा हूं। इसके पिछले वीडियो में मैंने कुछ बताए थे, आज इस वीडियो में उसी का अगला भाग बता रहा हूं। दोनों नाकों से श्वास भर लेंगे लंबी और गुनगुनाते हुए उसको छोड़ेंगे। इसको भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं और अधिक से अधिक कोशिश करेंगे लंबी भरने का और लंबी छोड़ने का। और जिस तरह से गाते समय गुनगुनाते हैं उस तरह से गुनगुनाते हुए इसे छोड़ना है। गुनगुनाएंगे अपने आप श्वास छूट जाएगी। मैं आपको दो बार करके दिखा रहा हूं, आपको कम से कम 21 बार करना है। इसको करते समय आपको ध्यान अपनी आंखों पर रखना है। अब इसके बाद आपको आकाशी मुद्रा बता रहा हूं। इसमें सिर को पीछे झुला देते हैं और पीछे देखेंगे, सीना को आगे कर देंगे। और आप तर्जनी उंगली और अनामिका उंगली और कनिष्ठा उंगली, इन तीनों उंगलियों को आपस में मिला लें। सिर्फ मध्यमा को छोड़ दें और सिर को पीछे झुला देंगे और श्वास पर श्वास सामान्य रहे। और आपको एक टक पीछे देखना है। इस पोजीशन में आपको आधे घंटे तक रहना है। अब इसके बाद आपको कुछ आसन बता रहा हूं जिसमें सर्वांग आसन बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वांग आसन के लिए लेट जाते हैं और लेट करके दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठा लें। हाथ के बल पर उसको उठाने की कोशिश करेंगे, हाथ जमीन पर रहेगा। और जो ऐसा नहीं कर सकते हैं वे हाथ से अपने पीठ को पकड़ सकते हैं, तो उसको विपरीत करणी कहेंगे।
दूसरा आसन है चक्रासन। चक्रासन में पीछे ले जाएंगे हाथ को और पैर को समेट लेंगे और पूरे शरीर का वजन उसे उठा लेंगे और 3 मिनट तक रहने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आपको शीर्षासन करना है, यानी सिर के बल पर खड़े हो जाना है। जो लोग सिर के बल पर ऐसे खड़े नहीं हो सकते हैं, वे दीवार के सहारे भी खड़े होने की कोशिश करेंगे। वैसे आपको सिर के बल पर खड़े होने के लिए अपने सिर और दोनों हाथों को इस तरह से रखना है कि ये त्रिकोण बन जाए और एक जगह देखना है और क्रमशः धीरे धीरे पैर को उठाएंगे, पहले एक पैर को फिर दूसरे पैर को उठाएंगे तो नहीं गिरेंगे, इस चीज का ध्यान रखिए। अब इसके बाद मयूरासन करेंगे, वह भी इसके लिए बहुत लाभकारी है। दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे कि सीना को थाम लेंगे और एक जगह देखेंगे और उसी तरफ थोड़ा बढ़ेंगे और पैरों को हल्के से उठाना है और एक पैर को दूसरे पैर से मिला देना है और जब उठाएंगे तो पहले एक पैर को उठाएंगे और अंगूठे पर आ जाएंगे, फिर दूसरे पैर को हाथ की शक्ति से उठाना है, पैर की शक्ति से नहीं, और 3 मिनट तक करने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद आपको यह बताऊंगा कि जिन लोग की आंखें धस जाती हैं, आंखों के धसने के पीछे जो कारण होता है वो यही होता है कि जब व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित हो जाए उससे उसकी आंखें धस सकती हैं, या जब अवस्था उसकी ढलने लगे तो आंखें धसती हैं। परंतु जो इसका मुख्य कारण होता है वह होता है व्यक्ति में महत्वाकांक्षा की कमी हो जाने से आंखें धसती हैं। जब व्यक्ति का लक्ष्य बहुत बड़ा होता है और उस बड़े लक्ष्य के लिए वह बहुत बड़ा प्रयास करता है तो आंखों में खून का अच्छा संचार विशेषकर पलकों पर आ जाता है, जिससे कि वहाँ पलकें फूली फूली रहती हैं और पलकें जिनकी फूलती नहीं है, धसी धसी लगती हैं, वे वैसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत बड़े बड़े लक्ष्य नहीं हैं जिंदगी के,
इसलिए आप देखेंगे कि राजनेताओं की आंखें फुली फुली रहती हैं, उनकी आंखें धंसती नहीं हैं, क्योंकि उनके लक्ष्य बड़े होते हैं। तो जिनके भी लक्ष्य बड़े होंगे उनकी आंखें फूल जाएंगी, और जिनके लक्ष्य बड़े नहीं होंगे उनकी आंखें धस जाएंगी। आंखों का धसना बताता है कि अब उसके पास लक्ष्य नहीं है बड़ा, क्योंकि हम लोग लक्ष्य आंखों से बनाते हैं, माइंड से बनाते हैं, परंतु उसको एक दिशा देने का काम आंखें करती हैं। तो लक्ष्य बनाने के लिए आप आंखों का प्रयोग करते हैं, मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं। जब ऊंचा आदमी देखता है तो उसकी पलकें फूलती हैं, तो दृष्टि आप ऊंची रखें तो पलकें सूज जाएंगी, थोड़ी मोटी हो जाएंगी, भर जाएंगी। और अगर आपका लक्ष्य कम है, महत्वाकांक्षी आप नहीं हैं, छोटी छोटी चीज़ों में लगे रहते हैं, तो वो हो सकता है कि वो आँख धस जाए, दब जाए। वैसे इस कुछ भोजन भी इसके लिए ज़रूरी है, जैसे कि अखरोट है, गाजर है, आंवला है, भृंगराज है, ब्राह्मी है, नारियल की गिरी है, बादाम है, सौंफ है। इन सबको खाने से आँखों को बहुत ताकत मिलती है, और विटामिन ए एक्वासॉल बाज़ार में मिलता है, वह विटामिन ए का अच्छा सप्लाई करने वाला है। बाकी दूध का सेवन और विभिन्न फलों का सेवन भी इसके लिए बहुत लाभकारी होता है। नंगे पैर चलना ज़मीन पर, विशेषकर घास पर, बहुत लाभकारी है। और आंखों को ठंडे पानी से धोना बहुत लाभकारी है, और नेति क्रिया करना भी बहुत लाभकारी है। नेति क्रिया का वीडियो मैंने डाला हुआ है, जल नेति का, आप उसमें देख सकते हैं, जिसमें कि आपको बाएं नाक से पानी डालेंगे तो दाएं नाक से पानी निकलने लगेगा। आपको पानी को खींचना नहीं है, बल्कि सिर्फ सिर को टेढ़ा करके इधर से डाल देना है, वो अपने आप पानी आ जाएगा। पानी को आपको शरीर के तापमान के बराबर रखना है, जाड़े का दिन हो या गर्मी का दिन हो, और उसमें थोड़ा सा नमक घोल देना है तो पानी इससे आ जाएगा, और ये जो यहाँ जो जहर जमता है वो जहर निकल जाएगा। इससे आँखों को बहुत बल मिलता है। सांभवी मुद्रा, जैसे मैंने बताया आपको करके कि यहाँ देखना है ऊपर की ओर एक टक, तो इस सांभवी मुद्रा से बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती है आँखों को। इसको करें, और फिर त्राटक करना है। त्राटक करने के लिए क्या है कि एक दूर की किसी चीज़ को आपको देखना है एक टक, कोई बिंदु बना लें, कोई लक्ष्य बना लें, और वहाँ एक टक देखें, फिर जितनी देर तक देख सकते हैं देखें। जब आँख थक जाएगी, पलक गिर जाती है, तो आँख को फिर बंद कर लें, थोड़ी देर रेस्ट दें, फिर उसको देखें। इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। उगते हुए सूर्य को देखा जाता है, डूबते हुए सूर्य को देखा जाता है, चाँद को देखा जाता है, तारों को देखा जाता है, जलते हुए जो रोशनी है, दीपक वगैरह की जो लौ है उसको देख सकते हैं, मोमबत्ती की लौ को देख सकते हैं, या किसी सादे बोर्ड में ब्लैक डॉट बना सकते हैं, उसको देख सकते हैं। इससे आपकी यह इच्छा पूरी हो जाएगी। अब आँखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए आपको कुछ मुद्राओं को भी बता रहा हूं। यह अनामिका उंगली
और अंगूठा, इन दोनों को मिला लेंगे और पद्मासन की मुद्रा लगा लेंगे और सर को पीछे झुला लेंगे और ऊपर की ओर देखेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए आएंगे और नीचे की ओर देखेंगे। ऐसा ऐसा 21 बार कम से कम करना है। दूसरा है कि इन दोनों उंगलियों को फैला देंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को, और उसके बाद इन दोनों को फंसा देंगे। फंसाने के बाद जोर से दबाएंगे एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में। फिर इसको विपरीत फंसाएंगे और दबाएंगे, दोनों हाथों से विपरीत करेंगे। इस क्रिया को आपको 21-21 बार तक करना है। अब इसके बाद आँखों में शुद्ध गुलाब जल आदि डाला जाए, या गुलाब का रस, गुलाब की पंखुड़ी का रस डिस्टिल वाटर में, तो भी लाभकारी होता है। गौमूत्र का अर्क आदि डाला जाए तो वह भी बहुत लाभकारी होता है। आंखों को अधिक से अधिक मोबाइल से और टीवी से और पुस्तक से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। जिनको भी अपने आंखों को स्वस्थ रखना है ज्यादा समय तक, तो रेडिएशन से इसको बचाना होता है। तो यदि आंखों को सुदृढ़ रखना है तो इनसे जितना बचा जाए उतना लाभकारी है। इसके बाद है भरपूर निद्रा, इसके लिए बहुत जरूरी है। नींद कम होने से भी आंखों के पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, तो नींद भरपूर लिया जाए और हम भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग अधिक से अधिक करें, जो आंखों के लिए बहुत लाभदायक है। और अधिक से अधिक आंखों के लिए सबसे अच्छा हरी चीज, तो अधिक से अधिक अगर हम हरे रंग की चीज़ों को देखते हैं तो आंखों के लिए बहुत लाभकारी होता है। धूल से, धुएं से, तमाम तरह के प्रदूषण से इसको बचाया जाता है। जितना रसायनों से बचाएंगे उतना लाभकारी है। आंखों में बहुत लोग कृत्रिम काजल लगाते हैं, परंतु शास्त्रीय विधान सुरमा का है। सुरमा लगाया जाता है, वह आंखों को बहुत लाभ पहुंचाता है, आंखों की ज्योति बढ़ती है। और सुरमा आप जहां जड़ी बूटी के सामान मिलते हैं पंसारी की दुकान, वहां से सुरमा खरीद सकते हैं और उसी को लगाए उसका अंजन। और देसी गाय के घी में उसको लगाए, यदि ऐसा कर पाएंगे तो आंखों की ज्योति बढ़ती है। सामान्य काजल से तो उतनी ज्योति नहीं बढ़ती है, सुरमा का ही विधान है। और
जो काजल बनाया जाता है वह काजल भी, वो जो दीप आप जलाएंगे तो गाय के घी में वह दीप हो, और उसी को उलट करके रख देते हैं तांबे के पात्र को, और उसी में काजल इकट्ठा होता है। उस काजल से यदि कोई करे तो उसकी ज्योति बढ़ती है। अगर वैसे कई तरह के अंजन होते हैं जिसको लगाया जाता है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो अंजन बनाती हैं, परंतु उन अंजनों का क्या प्रभाव दुष्प्रभाव है वो हमें इतना बता नहीं पाऊंगा। अपने हाथ से बनाया हुआ जो अंजन है वही प्रमाणिक माना जाएगा। वे लोग किसी भी प्रकार का काले रंग का उपयोग कर सकते हैं, कंपनियों का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं उसकी सलाह नहीं दूंगा। अब इतने जो मैंने आपको बताया, इतने का आदि उपयोग कर लिया जाए तो निश्चित ही आपको लाभ हो जाएगा। जो मैंने त्राटक बताया करने के लिए, तो त्राटक को कर लेने के बाद फिर आंखों को ठंडे पानी से धोना चाहिए। ध्यान यह रहे कि पानी बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, ठंडा पानी अच्छा है परंतु बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, अन्यथा आँख की पुतलियाँ ज़्यादा सिकुड़ जाएंगी, वह भी नुकसानदायक होता है। और आँखों की मालिश जिस तरह से करते हैं वह आपको बता रहा हूँ। अंत में दोनों हाथों को रगड़ देंगे, यह बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है। दोनों हाथों को रगड़ करके जब यह हल्का सा गर्म हो जाए तब इस रेखी करते हैं, जिसको कि आँख की मालिश भी आप समझ सकते हैं, ऊपर से छुआते हुए नीचे की ओर लौटते हैं। ऐसा ऐसा 21 बार करते हैं, यह भी आंखों की ज्योति के लिए अच्छा माना जाता है। तो इतनी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ज्योति पर बहुत अच्छा असर आएगा। अब अंतिम में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि हम अपनी अच्छी सोच, अच्छी दृष्टि रखते हैं तो दृष्टि हमारी बढ़ती है। अपनी दृष्टि अच्छी रखनी चाहिए, और जिनका किसी जिनकी कुंडली में कुछ दुर्ग्रह हो जिसके कारण उनके आंखों को परेशानी हो रही है, तो उसका ज्योतिषीय निदान भी कर लेना चाहिए। अमूमन सूर्य और चंद्र जिनके कमजोर होते हैं तो उनकी रोशनी के ऊपर असर आता है। तो सूर्य को और चंद्र को मजबूत करने के लिए आपको माणिक्य और मोती धारण करने पड़ते हैं। तो माणिक्य और मोती आप धारण कर लें। माणिक्य 5.25 रत्ती और अनामिका उंगली में धारण कर सकते हैं। दाहिने हाथ की उंगली में रविवार के दिन इसे धारण करें, सोने में इसे बनवाएं, तो यह बहुत लाभकारी होगा। और मोती 11.25 रत्ती, और मोती में सबसे बढ़िया मोती बसरा का मोती माना जाता है। तो यदि बसरा के मोती
पहन लिया जाए। सवाई ग्यारह चांदी में, कनिष्ठा उंगली में, तो वह भी आंखों की ज्योति को बहुत बढ़ाता है। तो इस निदान को भी आप करेंगे और इसको मोती को सोमवार के दिन धारण करेंगे तो काफी लाभप्रद होगा। यदि घृत कुमारी के गुदे को आंखों के ऊपर रखते हैं, घृत कुमारी जिसको कि एलोवेरा कहा जाता है, तो उसमें जो गुदा होता है बीच का हिस्सा, उसको अगर यदि आंखों पर रखेंगे तो वह भी बहुत ज्योति बढ़ाने में सफल होता है। मुल्तानी मिट्टी को यदि भिगो दें पानी में और फिर उसका गोला बना करके चपटा चपटा करके अगर आंखों के ऊपर रखेंगे तो वह भी बहुत लाभकारी है। खीरे को भी काट करके, जिससे सलाद के लिए काटते हैं उसे काट करके, अगर उसके टुकड़े को भी अगर यहाँ रखा जाए आंखों पर 15-15 मिनट के आसपास, तो वह भी बहुत लाभकारी होता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, आप इसमें से जितना कर सकते हैं अपनी तरफ से करने की कोशिश करें तो आंखों की रोशनी आपकी बढ़ जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ओम हरि।